मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ एक बात सोचा करती थी, मतलब बहुत इर्द गिर्द ये सब चीज़ें देखी कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो गए उनके माँ बाप जिंदा भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप के लिए दिल में इतनी बुराई लेके बैठे हुए होते थे। और मैं यही बात सोचती थी कि यार ऐसा क्यों है, मतलब आप कैसे अपने माँ बाप से नफरत कर सकते हो। तो ये बात उस वक्त तो समझ में नहीं आती थी, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ मतलब ख़त्म कर देते हैं, जितना उनसे होता है वो करते हैं। और जब से मैं खुद भी एक माँ बनी हूँ तो उसके बाद से सब कुछ जो है वो अब रियलाइज़ होता है कि यार ऐसा क्यों है। तो जब आप बचपन में छोटे होते हो और अगर आपके पेरेंट्स में दोनों, या माँ हो या बाप हो, दोनों में से कोई भी एक अगर आपको छोड़ जाए, वो तो छोड़ के चला जाता है। अगर वो बच्चा जो है वो देख रहा होता है जो भी चीज़ें, कि अगर उसका बाप उसकी माँ को छोड़ के गया और अपने बच्चे को भी छोड़ के चला गया, तो वो बच्चा सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, भले वो ना समझ होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ में छोड़ के गया है, कैसे छोड़ के गया है, किस हालत में छोड़ के गया है। चलो माँ को तो छोड़ ही दो, बच्चा कितना छोटा होता है उसको कितनी ज़रूरत होती है। जैसे कि माँ की जितनी ज़रूरत होती है ना, तो उतनी ही बाप की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही सारी तरबियत करे, दोनों का रोल होता है इसमें। तो जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जाता है, तो जब वो बड़ा होता है ना, उसको ये सब चीज़ों का पता लगता है कि यार मेरी माँ ने तो मतलब मेरे बाप के बगैर इतनी ज़िंदगी गुजारी है, मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मैं छोटा था, छोटे से लेके बड़ा किया, मुझे पढ़ाया अच्छा, मुझे आज मुकाम दिया है, मेरे बाप के बगैर मेरे बाप ने किया क्या है। और ना मैं अपने बाप का लगाऊँ, बस पैदा ही की है ना आपने, आपने पाला तो नहीं, आपने तरबियत तो नहीं की। तो अब इन बातों की समझ में आती है कि माँ हो या बाप हो, दोनों में से अगर कोई एक भी छोड़ के जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उस बच्चे को राइट है कि वो अपना डिसीजन खुद ना ले। जाहिर सी बात है, फिर ऐसे बाप का नाम क्यों लगाएगा वो। और अगर माँ भी छोड़ के जाती है, चलो कोई मजबूरी है समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई माँ अपनी बच्चे को छोड़ के जाएगी, भले वो उसके लिए पूरी ज़िंदगी भी, कहते ना वो शादी नहीं करेगी दूसरी, भले बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना, वो कहेगी नहीं यार बस ये है ना, अब इसके पीछे मुझे अपनी ज़िंदगी लगा देनी है, बस यही है सब कुछ मेरा, माँ ये करती है। और हालांकि बाप होता है ना, तो वो दूसरी शादी कर लेता है बच्चे को छोड़ कर, वो कहता है छोड़ो यार क्या है, खुद ही पल जाएगा। तो इन सब चीज़ों की समझ अब आती है कि यार मियाँ बीवी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं माना, लेकिन बच्चों का क्या कसूर होता है। बच्चे तो ना समझ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो बस ये है कि दुनिया में आते हैं, आकर सब कुछ अपने माँ बाप को ही समझ रहे होते हैं। रात को सो रहे हों या कुछ भी हो, उनको ये याद होता है कि यार हमारे बाप ने आना है काम से। तो शायद फिर मैं कहती हूँ हाँ यार, उन बच्चों को हक है अपने माँ बाप से नफरत करने का, क्योंकि बचपन में जब आपने टाइम नहीं दिया, वो खुशी नहीं दी, वो ज़रूरतें आपने पूरी नहीं की, तो फिर फ़ायदा। तो मैं उन लोगों से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार अगर आप लोगों की पर्सनल भी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो ना, तो बच्चों को मत पीसो, उनका क्या कसूर है। आजकल तो ये वैसे बहुत ज़्यादा आम है कि मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती तो भाई वो कहते चलो छोड़ो, तलाक दो, ख़त्म, बच्चे का क्या है, वो रुल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये नहीं पता होता उनको कि जब ये सब कुछ हो जाता है ना, तो बच्चे के दिमाग पे इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कि जब वो अपनी लाइफ में ग्रो होता है ना, बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद जब वो ये सब चीज़ों को देखता है, तो कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर रह जाती है। ये बात हम पेरेंट्स को समझ में नहीं आती कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे होते हैं अपनी ही पर्सनल लड़ाइयों में। तो मैं तो बस उन पेरेंट्स को यही बात समझाती हूँ, कोशिश करें कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं। भाई आपकी अगर आपस में नहीं बन रही, आप सेपरेट हो जाओ, कुछ टाइम आप गैप दे लो, कुछ टाइम जब आप अलग अलग रहोगे, स्पेस दोगे, तो खुद ही सेट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन बच्चे का सोचो कि उसका क्या होगा कल को। भाई अगर आप लोग अलग भी हो जाओगे ना, तो आपकी भी शादी हो सकती है और आपकी भी शादी हो सकती है, लेकिन बीच में बच्चे रुल जाते हैं। तो उनका ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका पेरेंट्स के अलावा कोई होता ही नहीं है। पर एक औरत की ज़िंदगी जो होती है, वो उसके शौहर पे ही डिपेंड कर रही होती है। दूसरी शादी वो मजाक नहीं होती है, बहुत मुश्किल है आगे की लाइफ।
और आजकल के ज़माने में तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आपस में मिलजुल कर रहे हैं, अपने बच्चों का सोचें सबसे पहले, अपना नहीं सोचें आप लोग। हमने तो गुजार दी ज़िंदगी शादी के बाद, जो असल ज़िंदगी होती है वो बच्चों की होती है, उनकी ज़िंदगी तबाह ना करें। वो बहुत मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन बड़े होकर उनको जब पता लगता है ना, वो अपने बाप से या माँ से नफरत करते हैं कि यार ऐसे बाप या ऐसी माँ होने का फ़ायदा क्या है जिसने हमें बचपन में ही साथ देने से मतलब मना कर दिया, छोड़ के चला गया। खैर, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो चीज़ आप दुनिया में देख रहे होते हो ना, जो चीज़ की समझ नहीं होती बाद में समझ आती है, तो आप शेयर कर लो थोड़ा। क्या पता ये बात आपकी बताने से आगे वाला बंदा जो है, जो ये ना समझ कर मतलब जो भी बोलेंगे कर रहा है बेवकूफ़ी, तो वो उस चीज़ से बच जाएगा। बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करें, वो बहुत मासूम होते हैं।